जब भी आपका खाना बनाने का दिल ना करे और कुछ अलग सा खाने का मन हो तो आप इस दलिया खिचड़ी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो झटपट से कुकर में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखते कैसे बनाते हैं इसे। तो कढ़ाई में मैंने एक बॉल दली को लिया है, उसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, इसमें भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो दली को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, उसके बाद कुकर में एक बड़ा चम्मच घी डाला है और जीरे को डाल देंगे। यहाँ पर वीडियो बंद हो गई थी तो यहाँ पर मैं इसे शो नहीं कर पाई। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों को लिया है, तो आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, दो बड़े प्याज जिन्हें लंबा काट लिया है, तो इन्हें लंबा और पतला काटा है, इसे इसमें ऐड कर देंगे। और हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक इसमें लाइट पिंक कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। तो ये देखिए प्याज का कलर कुछ इस तरह का हो गया। बस हमें इस स्टेज तक ही प्याज को भूनना है। अब प्याज अच्छे से भून गए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें आलू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 आलू मीडियम साइज़ के आलू लिए थे मैंने, इस तरह काट लिया, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। उसके बाद गाजर को ऐड करेंगे, 2 टमाटर जिन्हें रफली चॉप किया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। तो सारे टमाटर को ऐड कर दिया है, उसके बाद फूल गोभी को ऐड कर देंगे। आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ भी ले सकते हैं। 1/2 कटोरी यहाँ पर मैंने मटर लिए थे, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल मटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। तो इन्हें धोकर पानी से वॉश कर इसमें ऐड कर देंगे। अब सब सब्जियों को बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी सब्जियों का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये देखिए सारी सब्जियाँ भूनकर हो गई हैं तैयार। तो सब्जियों के भून जाने के बाद यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर को ऐड किया है, तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर को ऐड किया है और 1 हरी मिर्च को ऐड किया है। ये हरी मिर्च भी दली में बहुत अच्छा टेस्ट देती है, तो अगर आप स्किप भी करना चाहें तो इसी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं खाते हैं तो। अब ढक्कन लगा 1 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे। तो चेक कर लेते हैं सब्जियों को, तो सब्जी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो एक बार इन्हें अच्छे से चला लेंगे ताकि नीचे ना लगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने दलिये को भून कर रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो धीरे से सारे दलिये को इसमें ऐड कर देंगे। तो सारे दलिये को डालने के बाद 1 मिनट तक फिर से इसे भून लेंगे सब्जियों के साथ। तो सब चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाले को ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करेंगे। तो नमक को यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेंधा नमक थोड़ा ज़्यादा डालता है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर से एक बार सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ अच्छे मिक्स हो गई है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा प्याज काट कर रखा था, इससे भी दलिये का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़े से हरे प्याज को और इसके वाइट पार्ट को भी मैंने एक साथ काट लिया था, इसे इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी को ऐड किया है, तो यहाँ पर मैं 2.5 गिलास पानी को डाल रही हूँ, क्योंकि हम दलिया खिचड़ी बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी रखूँगी। फिर से एक बार सब चीज़ों को चला देंगे ताकि सब चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब कुकर का ढक्कन बंद कर हम यहाँ पर 3 सीटी लगवा लेंगे। 3 सीटी आ गई हैं, तो गैस निकाल कर इसे चेक कर लेते हैं और ढक्कन को खोल लेंगे और देखेंगे कि हमारी दलिये की खिचड़ी बनकर तैयार हुई है नहीं। तो देखिए हमारी दलिया खिचड़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो अब इस खिचड़ी को गर्मा गर्म प्लेट पर सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों जब भी आपका खाना बनाने का मन ना हो या कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल करे तो आप इस दलिया खिचड़ी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों वाकई में खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।